हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ, टॉपिक भी बोलना सही नहीं है, बिकॉज ये दिनों कुछ ज़्यादा टॉपिक देखने को नहीं मिलते टेक्स्ट बुक में, सब बकवास कहानी है। अच्छे मिलेंगे तो मैं अच्छे से प्रेजेंट करूँगा, लेकिन अगर बकवास रहेगा तो मैं इसी गुस्से के तौर पर ही बताता रहूँगा। तो आज का जो टॉपिक है, टॉपिक भी नहीं बोल रहा, सॉरी टॉपिक क्यों बोल रहा हूँ मैं, टॉपिक भी नहीं हो, उसका नाम है वारिस कौन। वारिस कौन, सीरियसली मतलब क्या है, मतलब कहानी मुझे समझ में नहीं आया। मतलब टाइटल से आप लोग क्या समझ रहे हो, वारिस कौन का मतलब होगा कि बहुत सारे बच्चे उसमें से वारिस कौन, ऐसा लग रहा है कोई रियलिटी शो है, बिग बॉस चल रहा है या कोई खतरों के खिलाड़ी का ये सीज़न चल रहा है, जिसमें एक विनर को इंट्रोड्यूस अनाउंस किया जाएगा, उसको पैसे मिले जाएंगे, मेडल मिला जाएगा, ट्रॉफी मिला जाएगा, कुछ ऐसा कहानी है। वाह, ये टाइटल सुनते ही मैं समझ गया कि कहानी भी बकवास होगी, भंगार होगी। इसे लिखा गया है वीबा रानी जी ने, और रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, मैं जी बोल रहा हूँ, पाले को भी जी बोलते हैं। वीबा रानी जी का जन्म हुआ है 1959 में, ओके, मधुबनी बिहार, अच्छा बिहारी है ये। तो 1959 के हिसाब से आप समझ सकते हो शिव मेश भी अराउंड 60-70 ईयर्स। सो अगर क्या कहानी है मैडम, ये क्या कहानी है, मतलब ऐसे कहानी अगर आप लोग टेक्स्ट बुक में लिखोगे तो बच्चे लोग फाड़ के फेंक देंगे टेक्स्ट बुक। मैं सच में कह रहा हूँ, कुछ कहानी इतने बकवास है, ऐसे कहानी अगर आप पेश करोगे तो बच्चों को क्या इंटरेस्ट रहेगा पढ़ाई में, और इसके ऊपर पैसेजेस बनाते हो, एग्ज़ाम में प्रेजेंट करते हो, किसको पसंद आएगा ये। और ठीक है, वारिस कौन बहुत ही कॉमन स्टोरी है, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, छोड़ो रहने दो, वीडियो बनाने अपना मकसद सिर्फ व्यूज़ कमाने यार, और क्या। वारिस कौन में बेसिकली बहुत ही कॉमन स्टोरी, जैसे मैंने कहा कॉमन स्टोरी इन द सेंस, ये आप लोग ने कहीं ना कहीं सुना होगा सिमिलर स्टोरी, या फिर आपको फ्यूचर में सुनने को मिलेगा। तो स्टोरी ये है कि एक राजा होता है, उसकी कितने बेटियाँ होती है, 4 बेटियाँ होती है, ओके। सोचो राजा है, अमीर, टिप टॉप लाइफ, 4 बेटियाँ हैं। अभी उसमें से इस भाई साहब को, मेरे को लगता है कोई रियलिटी शो चलाने है, लगता है कुछ ऐसा मूड आ गया ये राजा को, थरकी राजा को। तो ये चारों बेटियों को क्या करता है पता है, क्या बोलते हैं, 100-100 दाने, क्या गेहूँ के 100-100 दाने देता है, ताकि उनकी काबिलियत टेस्ट कर सके, ये टास्क रहता है। मैं तो कहना चाहता हूँ यार, ये चारों लड़कियों को रोडीज में भेज देता है यार, 4 गालियाँ खाता, मैं सच में कह रहा हूँ, 4 गालियाँ खा लेते अलग से, कोई टेंशन नहीं था। और लड़कियों को तो अच्छा है, मैंने तो सुना है अभी रोडीज में भी अच्छा, अभी लड़कियों के लिए सेफ है वगैरह, निया दुपिया ने बहुत मतलब बोलते हैं ना आज़ादी दी है उनको शो चलाने के लिए, तो मेरे को ऐसा लगता है वो शो उनके लिए बहुत सही है। लेकिन नहीं, यहाँ पर राजा जो है उनको वो चाहते हैं कि अपने जो चारों बेटियाँ उनकी काबिलियत टेस्ट हो, मतलब कौन बहुत इंटेलिजेंट है चारों बेटियों में से। तो क्या करता है, जैसे मैंने कहा गेहूँ के 100-100 दाने देते एक एक के हाथ में, तो पहले वाली होती बड़ी वाली बेटी, वो क्या करती है, 100 दाने देख करके उसको लगती क्या बकवास है, बाप को क्या अक्कल नहीं है, 100 दाने उठा के विंडो के बाहर फेंकती है। नहीं मतलब सॉरी मैं ये बात कहना भूल गया, 100-100 दाने देता है चारों बेटियों को, बोलते हैं कि 5 साल के बाद मैं वापस से मांगने आऊँगा ये दाने, वो तुम लोगों को रिटर्न करने, क्या स्टोरी है ना। 5 साल पहले मुझे भी याद नहीं मैंने क्या किया था, क्या हुआ था, इनको 5 साल के बाद चाहिए, मतलब राजा ने 100-100 दाने दिए चारों लड़कियों को, तो उसको कह रहे हो चारों बेटियों को कि मेरे को 5 साल के बाद ये दाने वापस चाहिए सुख समेत बराबर। तो पहली वाली लड़की का जैसे मैंने कहा, वो उसको लगा कि आप फालतू गिरी, उसने 100 दाने बाहर विंडो के बाहर फेंक दिया, और बोला कि भाई 5 साल के बाद बाप को थोड़ी इतना याद रहेगा, 5 साल के बाद मैं नया खरीद के दुकान से खरीद के ले दूँगी, पैसों की कमी है क्या, ये सोच के पहली वाली का हो गया। दूसरे वाली ने तो, और दूसरी वाली तो पागल ही थी, मतलब यहाँ से ना उसका दिमाग खाली था। सो उसने क्या किया बताया, एक कपड़ा लिया, मखमली कपड़ा, उसमें 100 दाने डाले, अच्छे से लपेटा और बक्से में डाल के बंद कर दिया, और बोला 5 साल के बाद मैं खोल के दे दूँगी, अच्छा दिमाग अच्छा है। उसके बाद तीसरी वाली तो भाई बहुत होशियार थी, वो सोचते रह गई कि यार मेरा बाप तो ऐसा 100 दाने अचानक से क्यों देने लग गया, पैसों की कमी हो गई क्या, ऐसा सोचने लग गई। नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, तीसरी बेटी बस क्वेश्चन करती रही कि ये कोई तो मकसद होगा ना बाप, मतलब पिताजी का, कि इस तरह से 100-100 दाने देने का क्या मतलब इंटेंशन है, तो वो तो सोचती रही। लेकिन जो चौथी बहन थी छोटी वाली, वो तो थरकी थी, वो तो इन सबसे थरकी थी, वो क्या करती है मतलब 100 दाने लेकर के उसको पीसा के खा लेती है। भाई मेरे घर पे है 10 किलो आटा, वही खा लेती वो 100 दानों को पीसा के खा लेती है भुक्कड़, मतलब इतने अमीर होके उनको दाने का पीसा के खाने का रहता है। वाह चौथी वाली पागल थी। लेकिन जो तीसरी, अभी तीसरी वाली मेन लीड पे इधर,
तीसरी वाली को मतलब डाउट रहता है कि राजा के दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रहे हैं, वो क्यों ऐसे बोले, तो वो क्या करती है, काबिलियत के इस्तेमाल करते हुए जो तीसरी बेटी बेटी होती है, मैं कितनी बार बोलो तीसरी बेटी छोड़ना, वो जाती है मतलब थोड़े दूर एक खेती रहता है, बंजर जमीन रहता है, वहाँ पर जा करके वो उन दानों को गाड़ देती है। गाड़ने के बाद वो उगता है, अच्छा सा ही फसल सा उग जाता है 100 दानों का। फिर वो और उसको उगाने की कोशिश और उगाने, तो ऐसे 5 साल होते होते वो बड़ा मतलब बहुत ही अच्छा फसल बन जाता है गेहूँ का। अभी 5 साल के बाद इतना बड़ा सीजन था ये, मतलब कौन सा रियलिटी शो का पता नहीं, ऐसे रियलिटी शोज भी नहीं होते। 5 साल के बाद राजा आता है, अपने चारों बेटियों को पूछता है, पहली बेटी को पूछता है कि भाई दानियों का क्या किया, तो वो लड़की क्या करती है, पहली बार जैसे मैंने बोला था विंडो के बाहर फेंकती है और बोलती है कि 5 साल के बाद किसको याद रहेगा, वो जा कर के लेके आई, पैसों की कमी है क्या, तो वो जाके लेके आती है और दे देती है झूठ मूठ का बोल के कि मेरे मैंने देखो पिताजी ये गिराने, तो वो डाउट खाता है कि यार इतने 5 साल में धाने इतने 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 अच्छे कैसे हैं, मतलब सड़ जाना चाहिए ना, तो उसको लगता है कुछ खिचड़ी पकड़ा है, तो उसने डिस्क्वालीफाइड, पहली वाली डिस्क्वालीफाइड हो गई। दूसरी वाली बेटी का क्या सीन था, उसने बॉक्स में रखा था, वो बॉक्स खोल के वो दिखा रहा था तो पूरे दाने सड़ चुके होते, वेरी गुड, वो भी डिस्क्वालीफाइड। तीसरी वाली को पूछना था, तीसरी वाली बोलती कि नहीं नहीं पहले चौथी वाली को पूछ ले क्या हुआ, उसके बाद लास्ट में मैं तुमको कल बताऊंगी, ऐसा वो बोलती है। तो राजा सोचता है ठीक है छोड़, अभी जो चौथी वाली होती है वो तो और थड़की होती है, वो तो उसको बोल देती है यार पिताजी क्या इतने से दानों के पीछे पड़े हो, हमारे पास पैसे की कमी है क्या, ऐसा तो बोलती है, वो उल्टा फुलटा बात करते हुए बोलती है कि मैंने तो उस वक्त ही पिसा के खा लिया। तो दूसरा मतलब अगले दिन पिताजी, वो जो चौथी तीसरी वाली बेटी है वो आती है राजा के पास मतलब अपने पिताजी के पास, और वो बोलती है कि आओ मेरे साथ कहीं, तो जो पिताजी होते हैं वो आते हैं अपनी तीसरी बेटी के साथ, तो देखती है कि फसल उगा हुआ रहता है, तो गेहूँ के फसल होते बहुत ही चमकीला, हवा में लहर लहरा रहे थे, तो वो देख करके बहुत ही खुश हो गए। और लास्ट में क्या होता है मुझे नहीं पता, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि इतना बकवास कहानी है। राजा ने उसे गले लगाया और कहा कि अब मैं निश्चित हो गया हूँ तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। हाँ मतलब तीनों बेटियों को मतलब जायदाद का हिस्सा नहीं मिलने वाला है बेसिकली, ये बताने की कोशिश की है, मतलब तुमको ही मिलेगा फिर, तो मतलब ये क्राइम पेट्रोल साउथ इंडिया का सीन हो जाएगा आगे, मतलब आगे की कहानी बता रहा हूँ, इतना तक ही है, आधी कहानी बताई है इसने, क्या कहानी है इसको कहानी बोलते हैं, मैं बताता हूँ आगे कहानी क्या है। तीसरी वाली को मिलता है जमीन जायदाद सब कुछ, तीनों मतलब प्लान करती मर्डर का, इसका मर्डर होता है, फिर वो क्राइम पेट्रोल की पुलिस वाली तो तुम लोग को पता है 45 मिनट्स में केस को रफा दफा कर देते, तो ये हो जाते तीनों जेल में चले जाते, तो इस तरह से कहानी खत्म। मैंने थोड़ा इंक्लूड किया है, तो वारिस कौन में अगर इधर लिखा है विभा रानी उसके साथ लिखना को रिटन बाय डेंजल फ्रैंक, लिख देना प्लीज़, अगर टेक्स्ट बुक हो तो प्लीज़ लिख देना, और स्कूल की टीचर को भी बताना, तो टीचर लोग तो ऐसे ही पढ़ा लेते यार, उनकी भी क्या गलती है यार, ऐसे टेक्स्ट बुक में लिखा रहता तो वो लोग भी एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन हम तो यार हम लोग तो यार यूट्यूबर्स है यार, हमको तो रोस्ट करना, तो हमें तो ये सब का रोस्ट करना तो बनता है ना। सो आई होप आप लोगों को ये रोस्ट वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन के तौर पे कुछ भी नहीं किया है, सर्दी हो गया मुझे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले, शेयर करना अपने दोस्तों को, उनको भी रोस्ट वीडियोज़ पसंद होंगे, कैरी मिनाटी आशीष चंचलानी के वीडियोज़ कॉमेडी वीडियोज़ बीबी के वाइंस के सबके वीडियोस तो पसंद आते होंगे, तो ऐसे टाइप में मैंने थोड़ा सा बनाने की कोशिश की, मैं उनके बराबरी का हूँ नहीं वो मुझे पता है, तो कमेंट सेक्शन में गालियाँ करो जो भी, तुम लोग चैनल बने हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, और इंस्टाग्राम पर भी वो जाकर फॉलो करो गाइस, यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है आप लोगों को, हाँ इसमें जाकर आप लोग फॉलो करो, और डोनेट करने के क्या 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 फ़ायदा डोनेट करने का, ऐसे बस कहानी मैं तो कहता हूँ आप लोग रीडिंग मत करो, स्टोरी समझो तो बस एक बार में समझ लेना, ऐसा रीड मत करो, मैं इतना ही कहूँगा, ऐसे कहानी अगर आप रीड करोगे तो गूंगे हो सकते हो, बहरे हो सकते हो, या तक कि आप कई दिनों तक सदमे में भी जा सकते हो। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।